जय श्री राम भक्तजनों, राम नाम ही परम ब्रह्म है। करोड़ों मंत्रों की शक्ति समाहित है राम नाम में। आज का ये टॉपिक है मेरा, इसी पे हम बात करेंगे। राम केवल दो अक्षर का नाम ही नहीं, राम हर प्राणी की चेतना और जीवन का प्रमाण है। अगर राम न हो तो जीवन मरा है। अगर कोई मरा मरा बोलता है तो बिना राम बोले अपने आप राम बोलने लगता है। उदाहरण के लिए, जब वाल्मीकि से राम राम नहीं कहा गया तो उसने मरा मरा कहा, तो उसके मरा मरा कहने से ही उसे परमात्मा यानी राम जी के साक्षात दर्शन हुए। संतों ने निर्गुण राम को ही अपना सब कुछ माना है। कबीर दास जी ने तो आत्मा और राम को एक ही माना है। कबीर दास जी तो इसे ही बीज मंत्र मानते हैं, मतलब राम ही सब मंत्रों का बीज है। राम नाम का उच्चारण किया नहीं जाता, उसका उच्चारण तो श्वास पर श्वास में हो रहा है। श्वासों का आना जाना प्राकृतिक है। 24 घंटे में हर प्राणी 21,600 श्वास लेता है और 21,600 श्वास छोड़ता है। इस तरह हर इंसान श्वास पर श्वास के द्वारा वह राम का स्मरण करता रहता है। राम नाम मृत्यु का मंत्र नहीं, राम एक गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं, राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। राम एक ऐसी शक्ति है जो रोम रोम में रहती है और सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। राम शब्द लिखने में, बोलने में, पढ़ने में जितना सुंदर है, उससे कहीं अधिक शरीर मन द्वारा अनुभूति है। जो अनुभूति करते हैं उन्हें परम शांति और परम गति मिलती है। हजारों संतों ने राम नाम जपते जपते मोक्ष पा लिया। राम वही ज्योति है जो हर मनुष्य के अंदर अखंड रूप से प्रज्वलित है, जिसको तुलसीदास जी परम प्रकाश कहते हैं। मुसलमान लोग उसे नूरे इलाही और नानक जी उसे चांदना कहते हैं और अंग्रेज लोग उसे डिवीजन ऑफ लाइट कहते हैं। ये शब्द कहने सुनने में अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन इन सारे शब्दों का मूल एक ही है और वह है राम नाम। राम ही अजर अमर अविनाशी है। राम ही अनंत अखंड सर्वव्यापी है। अनंत सृष्टियां, अनंत ब्रह्मांड, अनंत लोक और ये सारा संसार राम के एक इशारे पर चलता है। राम निर्गुण होते हुए भी अपनी माया शक्ति के सहारे प्राकृतिक रूप से निरंतर चला रहे हैं और ये सब बिना रुके हो रहा है और होता ही रहेगा। जो मनुष्य राम को अनुभव कर लेता है उसके अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो परम धाम को प्राप्त होता है। फिर उसका जन्म मरण नहीं होता, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर विश्वास होगा तो सब कुछ होगा, अगर विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप विश्वास, श्रद्धा, निरंतरता से राम नाम का जप करेंगे तो आपकी बुद्धि निश्चात्मक होगी। यानी कोई भी अगर आप मतलब डिसीजन लेते हैं तो वो बहुत ही निश्चात्मक बुद्धि से लेंगे। ये नहीं होगा कि ये ले ना ले, करें ना करें, तो जो भी आपकी बुद्धि में डिसीजन आएगा वो बिल्कुल सही होगा। और मन निर्मल होकर आत्मा के साथ एकाग्र होने लगेगा। जैसे जैसे मन एकाग्र होगा तो आपके अंदर नई नई अनुभूति होंगी, फिर आपको परमात्मा का आनंद होना शुरू होगा। और जब आपको आनंद अनुभव होगा तो आप उससे सरोवार हो जाएंगे।
जब आप उस आनंद में डूबेंगे तो आप उसी में समाहित हो जाएंगे। ये ही मनुष्य जीवन का सार है, यही मेरा पूर्ण अनुभव है, जो साधकों के लिए एक इशारा मात्र है। जो इस इशारे को समझ लेगा और इसको समझ के अपने जीवन में उतार लेगा, इस बीज मंत्र को हमेशा हमेशा के लिए वो धन्य हो जाएगा और परम गति को प्राप्त होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, सभी सुख मिलेंगे। इससे ऊपर तो फिर कुछ होता ही नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।